नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थी यानी मेरा जो परिवार है गुरुकुल क्लासेस का और जो भी इस चैनल को देखते हैं उन सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपका बहुत सपोर्ट रहा कि चैनल ने थोड़ी सी तो ग्रोथ की है आगे को। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो ज़रूर कामयाब होंगे। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए कि कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 12 है, ठीक है। अब 12 के गुणनखंड आप करेंगे यानी उनको बांटेंगे तो कितने गुणनखंड बन सकते हैं किसी संख्या के। तो देखिए, गुणनखंड क्या होता है, यानी कि ऐसी संख्या जिससे इस 12 में भाग चला जाए, वो कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग 12 में चला जाएगा। सीधी सी बात, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक का भी भाग चला जाता है, दो का भी चला जाता है 12 में, तीन का भी चला जाता है, चार, छः, 12, इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिनका भाग 12 में चला जाएगा। तो ये हो गए गुणनखंड, ये क्या हो गए सब, गुणनखंड। तो इनकी संख्या कितनी निकल कर आई है, 6। तो गुणनखंडों की आपको संख्या ही बतानी है, बस इतनी सी बात है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब होती है, जब कोई बड़ी संख्या दे दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 108 में बताइए कितने गुणनखंड होंगे। तो आप ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका भाग 108 में चला जाए तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको करने में। तो इसके कुछ तरीके होते हैं करने के, वो तरीके हमको सीखने हैं, ठीक है। तो क्या होता है वो तरीका, चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये देखिए, वही सवाल है, इसको करने का तरीका क्या होगा, वो तरीका ये होगा। सबसे पहले आप 12 को यानी इस 12 को ऐसे तोड़ो, या एक काम करते हैं, 12 की है ना ऐसे संख्याओं में तोड़ना है और उनकी पावर बनानी है। ये संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप 12 को ऐसे तोड़ना चाहती 12 कि इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। चार और तीन में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये जो चार और जो तीन आपने तोड़ लिया इनको भी घात में बदल देना है। उदाहरण, चार को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूं और तीन को मैं बदल ही नहीं सकता हूं, तो तीन को तीन ही रहने देते हैं। तो ये हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। सीधी सी बात ये ध्यान रखना कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने तोड़ लिया 12 को, चाहती 12, और इनको घात में भी बदल लिया, बस इतना सा काम कर लिया आपने। अब इसके बाद देखना, ये जो ऊपर घात है ना, इनमें आपको दोनों में एक एक जोड़ना है। जैसे 2 में आप 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 1 में आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। जोड़ लिया, बाद में गुणा कर दो, आंसर कितना आ गया, 6। समझ में आई बात, इतना सिंपल था। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं है, बस यही है। कितनी आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, पूछे जाते हैं। चलिए और एक आध प्रश्न और ट्राई करते हैं। अच्छा, ये तो ये जो सवाल हमने किया है अभी, इसमें टोटल फैक्टर्स निकल कर आएंगे कि कुल फैक्टर कितने हैं 12 के, तो कितने आए, 6, ठीक है, कितने आए, 6। लेकिन अब अगर ऑड फैक्टर पूछ ले कि ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड यानी विषम फैक्टर कितने हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या सम यानी इवन फैक्टर कितने हैं, उनको कैसे बताएंगे। कुछ नहीं करना है, देखो आप पहले या तो ऑड निकाल लो या इवन निकाल लो। टोटल तो आप निकाल ही लोगे फैक्टर। अगर मान के चलो टोटल फैक्टर क्या होंगे, ऑड फैक्टर प्लस इवन फैक्टर मिलके ही तो टोटल फैक्टर होंगे। मान के चलो तुमने टोटल फैक्टर निकाल लिए, जो अभी मैंने बताया था आपको, करेंगे अभी सवाल है ना, थोड़ा वेट करिए। ऑड फैक्टर और निकाल लिया आपने, अब आपको इवन और निकाल लिया, तो टोटल में से ऑड घटा दो, इवन ही तो बचेंगे, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल में से आप क्या कर दें, इवन घटा दें तो ऑड निकल आएंगे। पर आपको ऑड या इवन फैक्टर तो निकालने पड़ेंगे, यानी कोई एक तो निकालना ही पड़ेगा। उसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे अभी मैंने कोई संख्या ली, अभी 12 को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑड फैक्टर मुझे निकालने हैं, इसी में 12 को ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 2 गुणा 3 मैंने इसमें चेंज किया था, जैसे क्या किया था अभी कि 2 की पावर कितनी थी 2 और 3 की पावर कितनी थी 1, 12 वाला यही सवाल ले लेते हैं। अब यहाँ पे बताइए ऑड संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, 3। तो आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं,
तो इसी तीन संख्या की घात को देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। क्या करना होता है, घात में एक जोड़ना होता है बस। तो ये कितना आ गया आंसर, एक और एक कितना हो गया दो। गुणा नहीं करेंगे इसमें क्योंकि यहाँ संख्या अकेली है इसलिए, ठीक है। अब जैसे इवन फैक्टर निकालना है आपको, तो यहाँ पे इवन संख्या देखो, तीन इवन होती है, नहीं होती। दो इवन होती है, बिल्कुल होती है। दो क्या है, सम संख्या है। तो इसी की घात लेनी है, इसमें एक जोड़ना है आपको। कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है, ठीक है कि नहीं। या हाँ, इसमें एक नहीं जोड़ना होता, सॉरी। इसमें क्या होता है, जैसे टोटल फैक्टर आपने कितने निकाले, छह निकाले थे। छह में से आपने और फैक्टर कितने निकाल लिए, यानी तीन की घात कितनी थी, एक। और एक में आपने एक एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं जब फैक्टर निकालते हैं तब, तो कितने आ गए, और फैक्टर आ गए दो। तो इवन कैसे निकालेंगे, टोटल में से आप ऑड को घटा दो, इवन कितने आ गए, चार आ गए। हालांकि इसे निकालने का एक और तरीका होता है, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने जितने भी और फैक्टर निकाले हैं, और फैक्टर कितने आए थे, पावर कितनी थी, तो उसका दो गुना कर देते हैं हर बार, आंसर कितना आ जाता है, चार आ जाता है। हालांकि तुम इस वाले तरीके को मत करना, टोटल में से आप एक काम करना, और फैक्टर निकाल के घटा देना, इवन अपने आप निकल आएंगे। अभी देखिए आपकी समझ में थोड़ा बहुत कम भी आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं हूं ना, जब ये वीडियो खत्म होगी ना, आप कहेंगे वाह मजा आ गया। देखो सवाल ये रहा, अब आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, सवाल ऐसा पूछा जाएगा, फैक्टर मतलब तुम्हें घात में बदलने की जरूरत नहीं है, घात में पहले से ही बदला हुआ आएगा सवाल। बस आपको टोटल फैक्टर बता दो, ऑड फैक्टर बता दो, इवन फैक्टर बता दो। कैसे करेंगे सवाल को, देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या बताया था, जो भी ये संख्या है ना, ये सात तीन दो, इनको घात में बदलो। तो ये घात में पहले से ही बदली हुई है, इनको घात में क्या बदले। अब सात को तुम क्या घात में बदलोगे, सात तो सात से छोटी तो कोई संख्या तोड़ ही नहीं सकते। सात को आप तोड़ सकते हो क्या किसी में, नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, ये तो पहले से ही घात में बनी हुई है, तो ये जो घात है, टोटल घात कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, इन घात में पहले एक एक क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे चार घात है ना यहाँ पर, चार, तो इसमें एक ऐड कर लो। यहाँ कितनी घात है, दो, कितनी घात है, दो, तो उसमें भी क्या कर लो, एक ऐड कर लो। और ये कितनी घात है यहाँ पर, तीन, तो इसमें भी एक ऐड कर लो। पहले सभी घातों में एक एक ऐड कर लो, कितना आएगा बताओ, ऐड करके पाँच, ये कितना आएगा, तीन, ये कितना आएगा, चार। कर लिया ऐड, सब घातों में ऐड कर लिया, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में, पांती पंद्रह, पंद्रह चौक साठ, यानी टोटल फैक्टर जो बनेंगे इस सवाल में वो बनेंगे कितने, साठ बनेंगे, साठ इसका बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा अब इस सवाल में ये पूछ ले कि अब आप एक काम करो, ऑड फैक्टर बताओ कितने हैं, ऑड केवल विषम फैक्टरों की संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे, तो ऑड फैक्टर, तो ऑड संख्या ढूंढो, एक तो सात ऑड है, एक तीन ऑड है, विषम संख्या सात है एक तीन है, तो हम सात और तीन की घात को ही लेंगे, ठीक है। यहां घात कितनी है, चार, तो चार में एक ऐड करेंगे, और यहां घात कितनी है, दो, तो दो में एक ऐड करेंगे बस, और बाद में मल्टीप्लाई तो करेंगे करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पांच, ये हो जाएगा तीन, गुणा करके ऑड फैक्टर कितने आगे बताओ, पंद्रह, कोई दिक्कत नहीं। अब इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, टोटल फैक्टर आए थे साठ, जिसमें से ऑड कितने हैं पंद्रह, उनको माइनस कर दो, तो इवन फैक्टर कितने बचेंगे, पैंतालीस, कितने बचेंगे, पैंतालीस, ठीक है कि नहीं, बेहतरीन तरीका, समझ में आई बात। अभी भी अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो लो एक और सवाल कर लेते हैं, ध्यान से समझना, ये सवाल थोड़ा सा अलग सवाल है। अब ये सवाल अलग क्यों, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी संख्या पहले से घात में नहीं है, आपको अभी ये संख्या घात में बदलनी पड़ेगी। वो कैसे बदलेंगे, देखो इधर, मैं इधर करके बताता हूं, यहां कितना है, चौदह, आप 14 यानी 14 को और तोड़ सकते हो, सात दुनी 14 में, है ना, एक सेकेंड, सात दुनी 14 में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। और 14 की पावर कितनी है, दो, तो मैंने दो लगा दी। 25 को आप 5×5 में तोड़ सकते हो, 35 को आप 7×5 में तोड़ सकते हो, ठीक है। अब बताइए सात की पावर, देखिए सात पे और दो पे, दोनों पे इकट्ठे दो लगे हैं, तो क्यों ना मैं ये काम करूं, इस दो को हटा के दोनों पे अलग अलग लगा दूं। अब बताओ सात कितने हैं मेरी इस गुणा में, पूरे में सात कितने हैं, तो आप कहेंगे दो तो सात ये रहे, एक सात यहां पर है, तो सात की पावर कितनी हो जाएगी, तीन। अब मैं पूछो दो कितने हैं, तो दो मेरे दो बार आए हैं बस, तो दो की पावर होगी दो। पांच मेरे कितनी बार आए हैं, तो आप कहेंगे पांच सर जी इसमें तीन बार हैं, तो पांच की पावर कितनी होगी, तीन।
बन गई मेरी ये संख्याएं, बताइए घातों में बदल गई। अब इनको क्या मैं और तोड़ सकता हूं, 7 को 2 को? नहीं, अगर तोड़ सकता तो और तोड़ता, फिर घात में बदलता, ठीक है कि नहीं। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आ गया मेरा टोटल, ये सवाल बन गया। अब इस सवाल में घात बताने, टोटल और इवन बताने, तो बहुत आसान है। टोटल कैसे निकालते हैं, सभी घातों में एक एक ऐड करो, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 4, 3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 4, और सबका क्या कर देते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा कितना, 16 16 48। पहला आंसर, यही सवाल पूछा जाएगा आपसे, है ना। ऑड इवन नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑड कैसे निकालेंगे, तो इनमें ऑड ढूंढो, ऑड कौन सी हैं, तो एक तो 5 ऑड है, 1 7 ऑड है, तो इनकी घात लेंगे बस। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, इस 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, गुणा कर दो 16। तो टोटल कितने निकल के आए थे, 48 फैक्टर, ऑड कितने हैं 16, तो इवन कितने बचेंगे, तो 48 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 32। था सिंपल के नहीं, ठीक है कि नहीं। क्लैपिंग तो बनती है मेरे लिए, कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि आप मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल देखिए आ गया, ठीक है। जितने ज्यादा सवाल कर लेंगे ना, उतनी ज्यादा हमारी ये चीज मजबूत हो जाएगी। अब इस ये वाले सवाल को क्या करें, इस वाले सवाल को पहले क्या करें, घात में बदल लेते हैं। अब इनको छोटा बना, जैसे 324 है तो 324 को आप और छोटा बना सकते हो। अब देखो बहुतों पे 324 नहीं बदलना आता है, तो आप ऐसे बचपन में सीखा होगा आपने, थर्ड फोर्थ क्लास में, है ना, 2 से भाग दिया 162, 2 से भाग दिया 81, 2 से भाग दिया 3 से देंगे कितना आएगा 27, फिर 27 में यहाँ पर 20 यहाँ देता हूँ, 27 में 3 से भाग दिया कितनी बार, 9, 3 से भाग दिया 3, 3 से भाग दिया 1। तो आप बना नहीं सकते हो कि 2 कितनी बार आया, 2 2 बार आया, तो 2 की घात कितनी 1, 3 कितनी बार आया 4 बार आया, तो 3 की घात कितनी होगी 4। ये लो 324 घात में बदल गया, था आसान कि नहीं था, बहुत आसान है। तो 2 ये लो, मैं यहाँ बदल के बता रहा हूँ, 2 की पावर 324 में कितना आ गया, 2 की पावर 2, यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, ये तो हो गया सब 324। 75 को कैसे लिखेंगे आप, तो 75 में तो 25 तिया 75 होते हैं, 25 तिया 75, ये 75 लिख दिया, और 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1, तो ये 75 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे 26 की पावर कितनी है 2, तो 26 को भी मैं तोड़ सकता हूँ, कितना 13 गुणा 2 में 26 को तोड़ सकता हूँ, लेकिन ये 26 की पावर 2 भी चल रही है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 13 की पावर कितनी है 2, और 2 की पावर कितनी होगी 2, देखो 13 पे भी 2 आ जाएगा और 2 पे भी 2 आ जाएगा, होएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो टोटल 2 की पावर कितनी होगी 4, तो ये लिख रहा है 2 की पावर 4। 3 की पावर कितनी है 4 और 3 की पावर 1, 4 और 1 कितनी होगी पावर 5, तो 3 की पावर यहाँ देखो 5 लिख रहा है, ठीक है क्या, नहीं क्लियर नहीं दिख रहा, रंग बदल देता हूँ। 5 की पावर कितनी है केवल 2, तो देखो 5 की पावर 2 लिख रहा है, और 13 की पावर कितनी है 2, तो देखो 13 की पावर 2। यानी अगर समान संख्याएं होती है ना, समान संख्याएं ऐसे 2, तो उनकी पावर जुड़ जाती है, ठीक है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये संख्या मेरी सवाल बन गया, यानी सवाल मेरा छोटी घात में बदल चुका है। अब कुछ नहीं, ये 4 है तो इसमें 1 जोड़ो 5, 5 है तो 1 जोड़ो 6, टोटल फैक्टर ऐसे तो निकालते हैं, 2 में 1 जोड़ो 3 और 2 में 1 जोड़ो कितना 1 3, सबका गुणा कर लो 6 5 30, 30 तिया कितना हो गया 90, 9 3 27 यानी 270 फैक्टर। तो इसके टोटल फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 270, ठीक है। अब ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसमें से ऑड संख्या ढूंढो, 3 ऑड होती है, 5 ऑड होती है, 13 ऑड होती है, यानी विषम संख्याएं 3 5, तो इन्हीं की घात ले लो, 1 1 जोड़ते चलो, 5 में 1 जोड़ा 6, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, 6 18 18 54, तो टोटल इसके फैक्टर और फैक्टर कितने बनेंगे 54 बनेंगे। इवन निकालने हैं तो टोटल फैक्टर थे 270, उसमें से ऑड ऑड माइनस कर दो, इवन बचेंगे कितने बचेंगे भाई, 270 में से 54 गए तो 216। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं कई बार चीजों को रिपीट कर चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि आप
कुछ भी अलग से बताने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ये टॉपिक शामिल है कि सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालोगे। अच्छा, अब तक तो तुमने जैसे 12 के तुमने गुणनखंड निकाले, एक था, दो था, तीन था, चार था, छः था, 12 था। ये आपने 12 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 6 तो बता दी थी ट्रिक के माध्यम से। हमें आपने सवाल में क्या बताया, मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, आपने गुणनखंडों की संख्या पूछी तो 12 के गुणनखंडों की संख्या आपने ट्रिक के माध्यम से 6 तो बता दी घात में एक एक जोड़ के गुणा करके। मैं कह रहा हूँ आपने ये वाली संख्या नहीं बताई, मैं कह नहीं बताई, मैंने तो ट्रिक के माध्यम से आपको 6 आंसर दे दिया। अब मैंने पूछ लिया कि जो भी आपके गुणनखंड आए थे उनका योगफल क्या होगा, तो आप ट्रिक से आंसर दे दोगे क्या? केवल 6 टोटल गुणनखंड है, वो जो गुणनखंड 6 जो है उनका जोड़ बताओ। अब बेटा ये बताओ, जोड़ तो तुम तब निकाल पाओगे ना जब आपके पास ये गुणनखंड होंगे। मैंने तो डायरेक्ट ट्रिक से गुणनखंडों की संख्या बता दी 6, समझ में आ रही बात? तो यहां पर गुणनखंडों का अगर योगफल पूछा है, जोड़ पूछा है, तो आपको यहां पर गुणनखंड पता भी होने चाहिए कौन कौन से हैं वो वाले। डायरेक्ट आप संख्या नहीं बता सकते हो कि 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, समझ में आ रही बात? तो यहां पर 12 के गुणनखंडों का योग निकालना, तो 12 6 18 18 6 24, 24 और 3 27 2 29 और 31, इसका आंसर 30 हो जाएगा। लेकिन हर सवाल में कैसे करेंगे इसको, तो इसका भी तरीका होता है। क्या होता है तरीका, देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे। अब जैसे यहां पर सवाल है सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है ना, 8 के नंबर ऑफ डिवीजन का योगफल कितना होगा। जैसे अब इसे मैं नॉर्मली अगर करके बताऊं, 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो एक होगा, 8 का फैक्टर एक होगा, 2 का भी भाग चला जाएगा 8 में, 4 का भी चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा। सबका कितने फैक्टर बने, 4 फैक्टर बने, टोटल फैक्टर कितने बने, 4। सबका योग कितना बना, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो छोटी संख्या के लिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो, पर ऐसा सवाल थोड़ी आएगा, इतना छोटी संख्या थोड़ी दे दी जाएगी। कोई तरीका नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। 8 को आप घात में बदलो तो आप 8 को कह सकते हो 2 की घात 3, कोई दिक्कत, घात में तो बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो घात आई है ना 3, उसमें 1 ऐड कर दो, इतना आ गया 4। ठीक है, मैं बड़े आराम आराम से बता रहा हूँ, फिर इकट्ठा बता दूंगा आपको, समझ में आई बात। 2 की पावर 3, ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, ये तो मैं आपको बताता ही आ रहा था। इसके अलावा सुनना, 8 को तुमने 2 की घात 3 में बदल दिया, एक सेकेंड, 8 को आपने 2 की घात किस में बदल दिया, 3 में, इतना कर लोगे। फिर मैं क्या करता था, घात में 1 जोड़ता था, तो जोड़ लेंगे। फिर यहां पर हर सवाल में 1 माइनस करना है, हमेशा 1 माइनस करना है। और ये जो 2 संख्या लिखी है ना आपने, 2, ये जो 2 लिख रहा है ना 2, इस 2 में से 1 कम करके नीचे लिखना है, ठीक है। यानी 2 में से 1 कम करेंगे तो आएगा कितना, 1 आएगा। तो या तो आप डायरेक्ट 1 लिख दो, या 2 में से 1 कम करके ऐसे लिखना है आपको, पर लेनी यही वाली संख्या है 2। यहाँ पे और भी कुछ भी हो सकती है सवाल के हिसाब से, जो भी होगी उसमें से आप 1 कम करके नीचे लिखेंगे, ठीक है। कितने स्टेप करें दोबारा करके बताऊं, 8 को आप सबसे पहले घात में बदलेंगे, उस घात में 1 जोड़ेंगे, पहला स्टेप। फिर 1 माइनस करेंगे ऊपर, और इस संख्या यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे, इस 2 में से 1 माइनस करेंगे नीचे, बस। करते हैं सवाल, तो बताओ ये हो जाएगी 2 की पावर 4, 3 और 1 जोड़ के कितनी हो जाएगी, 4, माइनस 1, और नीचे कितना बचेगा, 1, 2 में से 1 गया तो 1। 2 की पावर 4 जो होती है वो 16 होती है, माइनस 1 और नीचे कितना है, 1। 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो ऊपर बचेगा 15, नीचे 1 बचेगा, और 1 का नीचे कोई महत्व होता नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। और हमारा भी अभी आंसर भी कितना आ रहा था, 15 ही आ रहा था, समझ में आ रही है। अभी आपके अगर कम समझ में आई है तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करने को, वही सेम तरीका है, तरीका मेरा नहीं बदला जाएगा, उसी तरीके से सवाल को करते हैं। सबसे पहले 36 को घात में बदलेंगे, तो आप कहेंगे 36 को सर जी हम 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ रुको एक मिनट, 6 की पावर आप 2 लिख लोगे क्या, 6 को नहीं तोड़ सकते हैं, और 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं ना, तो हमें भी ऐसी घात बनानी होती है जिनको और ना तोड़ सकें। जैसे आप 36 को 6 गुणा 6 लिखो पहले,
घात बनाने का तरीका होता है, ठीक है। छह को भी आप तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, कितना, दो गुणा तीन में। इस छह को भी तोड़ लो दो गुणा तीन में। अब बताओ कितनी घात बनी, तो आप कहेंगे सर दो यहाँ पर दो बार है तो दो की घात बनी दो, तीन भी सर जी यहाँ पर दो बार है तो तीन की घात कितनी बनी, दो बन गई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, एक मिनट, हाँ तो चलिए, तो कहाँ तक पहुँच गए थे, हाँ क्या किया हमने अब तक, 36 को 6 गुणा 6 में पहले तोड़ा, 6 को भी हमने 2 गुणा 3 में और 2 गुणा 3 में तोड़ा। तो हम कह सकते हैं जो 36 के गुणनखंड बने वो बने 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। देखिए हमें ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या अलग आएगी, और 3 की पावर 2 है यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या यानी योगफल अलग निकालेंगे, और बाद में सब क्या कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। और अलग अलग कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया था, चलो मैं अलग निकाल के यहाँ बताता हूँ आपको, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। 2 की पावर 2 है ना, तो इसमें एक जोड़ के लिखते हैं ऊपर 3 बताया था, माइनस कितना करते हैं बताओ 1, और इस 2 में से 1 घटा के नीचे लिखेंगे तो कितना बचेगा 1। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं। यहाँ पर देखो वही तरीका अपनाएंगे, 3 की पावर बताओ कितनी आएगी, सोचो मन में कितनी आएगी, 1 जोड़ कर आएगी कितनी आएगी 3, 2 है ना तो 1 जोड़ के 3, और माइनस 1 होगा यहाँ पे भी, 3 में से 1 माइनस करके नीचे लिखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। बीच में किसका चिन्ह लग रहा है, गुणा का, तो गुणा लगा दे, कोई दिक्कत। अब बताओ 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 8 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो आगे से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो मैं करता हूँ 7, ठीक है 7 बचा, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया तो 7, और 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। ये गुणा का चिन्ह देखो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 26, 26 में 2 का भाग देना है तो 2 का भाग 26 में देंगे तो कितना बचेगा बताओ 13, और 13 सत्ते कितने होते हैं 91, तो आंसर कितना आएगा, तो 36 के सभी गुणनखंड होंगे उनका योगफल जो आएगा वो आएगा कितना 91, इसका सही आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा विराम मैंने बीच में इसलिए दिया था क्योंकि चाय आ गई थी इसलिए, और चाय आप जानते हैं कि आप भी नहीं रह सकते होंगे शायद, तो मैं तो रह ही नहीं सकता बिना चाय के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद एक आध क्वेश्चन और मिल जाए, जैसे एक सवाल और मिल गया मुझे। 100 के सभी गुणनखंड जो है उनका योग बताना है, तो पहले 100 को तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे, तो पहले 100 को तोड़ो दो हिस्सों में, तो मैं कह सकता हूँ 25 गुणा 4, 25 चौका 100 होते हैं। अब 25 को तोड़ो दो हिस्सों में तो आप कहेंगे 5 गुणा 5 25, और 4 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं सर 5 की पावर तो बन रही है यहाँ पर कितनी 2, क्योंकि 2 5 है, और 2 की पावर सर जी यहाँ पर बन रही है कितनी 2। आप समझ में क्लियर आ गया होगा आपके कैसे तोड़ते हैं संख्याओं को, ठीक है। चलिए तो मैं दोबारा लिखता हूँ, 5 की पावर 2 आ गया और 2 की पावर 2 आ गया, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, बीच में क्या कर देंगे फिर गुणा। कैसे करते हैं अभी बताते हैं कैसे करते हैं। 5 की पावर 2 है तो क्या करें, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर बताओ 3, 1 जोड़ के आएगी, माइनस 1 करेंगे, 5 में से 1 घटा के नीचे लिखेंगे कितना 4, ठीक है। ऐसे ही 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, माइनस 1, 2 में से 1 घटा के कितना आएगा 1। 5 की पावर 3 कितना होता है बताओ, तो 5 की पावर 3 होता है 125, और 125 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 124, 124 में किसका भाग देना है 4 का। एक सेकंड रुकना, अभी भाग नहीं देते हैं, पहले लिख लेते हैं वरना खिचड़ी पक जाएगी फिर पूरे में। कौन सा कलर लेना है, ब्लू कलर लेते हैं, चलो 5 की पावर 3 होगी 125, इसमें से 1 गया तो 124, तो मैं लिखता हूँ 124 भाग देना है 4 का, ठीक है। 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, और 1 का भाग 7 में देंगे तो कितना आएगा 7। इसको मैं 4 से 2 से काटता हूँ, 2 चलो 4 से ही काटते हैं, 4 थी 12 और 4 एकम 4, 31 बचेगा ऊपर, 4 तो खत्म हो गया नीचे काट दिया, 7 एकम 7 और 7 थी 21, कितना आया आंसर 217, बिल्कुल सही आंसर आया 217, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। मुझे लगता है बात आपके समझ में आ जानी चाहिए।
चलो एक और क्वेश्चन अगर बचा है तो उसे भी खत्म करते हैं। इसके बाद नया चैप्टर है पार, ठीक है, पार के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस सवाल को अगर मैं होमवर्क में दे दूं कोई दिक्कत तो नहीं आपको? 256 को आप लिख सकते हैं 16 गुणा 16, और 16 को भी आप तोड़ सकते हैं आगे 4 गुणा 4, इस 16 को भी तोड़ सकते हैं 4 गुणा 4, और इस 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 में, इस 4 को भी 2 गुणा 2 में, इस 4 को भी 2 गुणा 2 में, और इस 4 को भी 2 गुणा 2 में। तो आप बताइए 2 की पावर कितनी हो जाएगी? तो ये यहाँ एक काम करना, ये अलग है और ये वाला अलग पोर्शन है, तो एक काम करना तुम, 2 की पावर यहाँ कितनी है? 2 की पावर यहाँ हो जाएगी 4, और यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो इसको अलग करना सॉल्व, इसको अलग करना, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना, आंसर मुझे बताना प्लीज कमेंट में कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें प्लीज, थोड़ा सा सपोर्ट और करें अपने दोस्तों में, वीडियो को शेयर करें, चैनल छोटा है दिल बहुत बड़ा है, तो अगर आप ऐसे सपोर्ट बना रहा तो 100% चैनल बहुत आगे तक जाएगा। पढ़ाई पढ़ाने में अगर कोई कमी अगर आपको नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो 100% आई विल रिप्लाई, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अपना ध्यान रखना, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, और साथ ही साथ मज़ेदार ऐसी वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। तो ध्यान रखिए, जय हिंद, जय श्री राम।